हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल अल्फा इंस्टीट्यूट में। बच्चों, पिछले क्लास में हम लोग ठीक सदिश अदिश के बारे में चर्चा कर रहे थे, ठीक। और मैंने सदिश का जो कंपोनेंट टूटता था बच्चों, कंपोनेंट टूटने में 2D कंपोनेंट एंड 3D कंपोनेंट तोड़ के आपको ठीक रिजॉल्व करके बताया था, ठीक। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर हो गए थे। इसके बाद बच्चों हमको पढ़ना है कि अगर के दो वेक्टर होंगे, ठीक है बच्चों, तो दो वेक्टर का गुणनफल कैसे करते हैं बच्चों, ना। जैसे कोई भी नंबर संख्या होती है बच्चों, तो उनका हम गुणनफल तो आसानी से कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? उनका गुणनफल आसानी से कर लेते हैं बीजगणितीय मेथड से, ठीक। दो 2 × 5 = 10, 5 × 10 = 50, ऐसा कर लेते हैं। बट बच्चों, ये जो आता है आपका जो सदिश गुणनफल आता है ना बच्चों, इसमें परिमाण और दिशा दोनों होने के कारण ना, इसमें जो बीजगणितीय नियम है बच्चों वो लागू नहीं होते हैं। क्या होते हैं कि इसमें जो बीजगणितीय नियम होते हैं वो लागू नहीं होते हैं। तो इसको समझने के लिए बच्चों देखो, पहले तो हमको ये समझना होगा बच्चों कि मल्टीप्लाई का मतलब क्या होता है बच्चों, ना। यही समझना होगा कि मल्टीप्लाई का मतलब होता क्या है, ना। तो पहले लोग जैसे बच्चों कि 2 + 2 + 2 + 2 + 2 ऐसे लिखते थे, तो बच्चों इसको जोड़ लेते थे, कितना 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 6, 6 × 2 = 8, 8 × 2 = 10 बच्चा, ना। जोड़ के ऐसे लिखते थे, 10 लिखते थे, ना। तो गुणा क्या है बच्चों? गुणा बस क्या है कि इन्हीं का जोड़ के कितनी बार है वही क्या है, कई गुना है। मतलब दो दो कई बार लिखे हैं, दो दो कई बार जोड़े हैं, दो कई बार जोड़े हैं, कितनी बार जोड़ो, 1, 2, 3, 4, 5। तो सीधे बच्चों 5 × 2 = कि कितना बच्चों, 10। ये होता है गुणा का मतलब बच्चों। क्या होता है? ये होता है गुणा का मतलब, ना। तो वैसे बच्चों वेक्टर के फॉर्म में भी होता है, ना। मतलब देखो, यहाँ पे कुछ अलग है। देखो बच्चों, ये क्या कह रहा है कि वेक्टर ए है, ठीक, प्लस वेक्टर ए, ना बच्चों, प्लस वेक्टर ए और प्लस वेक्टर ए, ठीक। ये कितनी बार जुड़ा बच्चों, 1, 2, 3, 4, कितना आ जाएगा बच्चों, 4 वेक्टर ए आ जाएगा। मतलब इसमें 4 का मल्टीप्लाई है, इसमें क्या है बच्चों, 4 का मल्टीप्लाई है। लेकिन अगर के बच्चों हम बोले क्या कि वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी, इसका मतलब क्या है, ऐसे लिख देते हैं, हाँ यही लिखते हैं, वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी लिख दिए बच्चों। इसका मतलब क्या है कि वेक्टर बी को वेक्टर ए बारी जोड़ा गया है, ना बच्चों, वेक्टर बी को वेक्टर ए बारी जोड़ा गया है, इसका मतलब सेंस है। तो बताओ ऐसे कैसे हो सकता है, वेक्टर ए बारी जोड़ा गया है, वेक्टर ए खुद एक चीज़ है, तो ये कैसे हो सकता है, ना। तो बच्चों बस ये क्या है कि रिजोल्यूशन है होता है इसमें, इसको समझो ज़रा। जैसे मान लो बच्चों तुमको लिखना है, ठीक, वेक्टर बी, इधर मान लो वेक्टर बी है बच्चों, इधर मान लीजिए वेक्टर ए है, ना, ठीक, ऐसे यहाँ पे नहीं है, ठीक, ऐसे मान लेते हैं बच्चों, इधर मान लीजिए वेक्टर ए है आपका, ए वेक्टर बी है, इनके बीच में थीटा कोण है, ना बच्चों। तो क्या करते हैं, अगर कि हमको वेक्टर ए, ना, वेक्टर ए गुणा वेक्टर बी निकालना होता है, ना बच्चों, तो इसका जो है ना, इसका कास रिजोल्यूशन लेते हैं, इस साइन रिजोल्यूशन लेते हैं, ठीक। इसका देखो, वेक्टर ए का इधर इधर प्रक्षेप लेंगे तो कितना जाएगा बच्चों, वेक्टर ए कॉस थीटा आएगा बच्चों, क्या आएगा, आएगा ना। इधर लेंगे तो कितना आएगा बच्चों, वेक्टर ए साइन थीटा आएगा ना, ठीक। अब जो होता है इसी को उतना पर मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक, इसी को उतना पर मल्टीप्लाई होता है। तो पहले इतना समझिए आप लोग कि सदिशों का गुणनफल ना बच्चों, सदिशों का गुणनफल ना बच्चों, इसमें क्या समझ सकते हैं हम लोग, ऐसे लिख दो कि सदिश में ना बच्चों, सदिश राशियों में परिमाण के साथ साथ ना बच्चा, परिमाण के साथ साथ, ठीक, सदिश राशि में परिमाण के साथ साथ दिशा होने के कारण, दिशा होने के
कारण इसमें बीजगणितीय नियम नियम न बच्चों नहीं लगते हैं। क्या करते हैं बच्चों? नहीं लगते हैं। ठीक, सदिश का गुणनफल दो प्रकार का होता है ना बच्चों। सदिशों का गुणनफल दो प्रकार का होता है। नोचो, पहला क्या होता है? पहला होता है बच्चों सदिश गुणनफल। सदिशों का क्या? सदिश गुणनफल, इसको बोलते हैं बच्चों क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट या फिर बच्चों वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक, क्रॉस प्रोडक्ट या फिर वेक्टर प्रोडक्ट। सदिशों का सदिश गुणनफल, ये ध्यान रखना, सदिशों का सदिश गुणनफल। ठीक, दूसरा क्या बच्चों? सदिशों का अदिश गुणनफल। सदिशों का अदिश गुणनफल बच्चा, अदिश गुणनफल। ये क्या होता है बच्चों? डॉट ना बच्चों, डॉट प्रोडक्ट, इंग्लिश में बोलते इसे डॉट प्रोडक्ट या फिर बच्चों स्केलर प्रोडक्ट। प्रोडक्ट ना बच्चों, डॉट प्रोडक्ट या फिर स्केलर प्रोडक्ट। इतनी बात समझ, इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद देखो बच्चों, हम बारी बारी से चर्चा करते हैं कि सदिश गुणनफल और अदिश गुणनफल होता क्या है। ठीक, सदिश गुणनफल और अदिश गुणनफल होता क्या है, इस पर चर्चा करते हैं हम लोग। देखो बच्चों, पहले हम समझते हैं अदिश गुणनफल, है ना। अदिश गुणन, अदिश गुणन स्केलर प्रोडक्ट। या फिर बच्चों डॉट प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। इसमें क्या लिखते बच्चों? ठीक, क्या लिखेंगे? सदिश ना, सदिश वेक्टर ए तथा वेक्टर बी का अदिश गुणन उनके अदिश गुणन उनके बीच बने उनके बीच बने कोण का कोसाइन। ठीक, कोसाइन गुणनफल से बने कोण का कोसाइन गुणनफल के साथ लिखा जाता है ना बच्चों, के साथ लिखा जाता है, लिखा जाता है। ठीक बच्चों, तो क्या बोलोगे बच्चों, इसको कैसे दिखाते हैं? वेक्टर ए बच्चों, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, क्या आ जाएगा बच्चों? ए तो रबर करेगा बच्चों, बी भी रबर करेगा, इसके साथ इनके बीच में जो एंगल बन रहा है उसके कोसाइन गुणनफल ना, को कॉस थीटा। ठीक, कॉस थीटा के साथ लिखता है। ठीक, कोसाइन लिखता है। ठीक, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, ये होता है बच्चों तुम्हारा क्या? अदिश गुणनफल। अभी आप इसके बारे में बस इतना जानिए। ठीक, इसके बाद मैं सदिश के बारे में बता रहा हूँ, सदिश गुणनफल क्या होता है, फिर उसके बाद हम दोनों की प्रॉपर्टी के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक बच्चों, और बच्चों यहीं भी सदिश गुणनफल क्या होता है? सदिश गुणनफल यही सब रहता है बच्चों, जहाँ पे कोसाइन है बच्चों वहाँ पे क्या होता है?
साइन हो जाता है ना बच्चों, साइन बने कोण का साइन गुणनफल के साथ लिखा जाता है। कितना जाएगा बच्चों तुम्हारा, वेक्टर ए ना, इसको क्रॉस दिखाते हैं, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी को, ठीक। सदिश गुणनफल को कैसे दिखाते हैं, सदिश गुणनफल को कैसे दिखाते हैं, सदिश गुणन को दिखाते हैं वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी से, उसको कैसे दिखाते थे, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी से। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी कितना जाएगा बच्चा, ए बी साइन थीटा, ठीक। और ये थीटा किनकी, इनकी बीच का एंगल है बच्चों ये जानना, जैसे वेक्टर ए हो गया ए, ठीक, वेक्टर बी हो गया, इनके बीच का एंगल थीटा, ये क्या होता है बच्चों, ये होता है, ठीक, समझे। वेक्टर ए डॉट मतलब ए बी साइन थीटा। अच्छा बच्चों अब ये तो खत्म हो गया, हम पढ़ते हैं क्या बच्चों, अदिश का गुणनफल का जो नियम है, ठीक, अदिश गुणनफल क्या क्या करता है उसके बारे में पढ़ते हैं। बच्चों अदिश गुणन की प्रॉपर्टी या फिर गुण, इसे पहला गुण लिख सकते हो बच्चों, पहला लिख सकते हो, ठीक। इसमें क्या हो जाता है बच्चों, साचर नियम होता है ना, रिवर्स कर सकते हैं। जैसे मान लो पहला इसे वेक्टर ए है ना बच्चों, डॉट वेक्टर बी है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल होगा बच्चों वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए, इक्वल टू कितना बच्चों, ए बी कॉस थीटा, ये नियम पहला होता है ना बच्चों। दूसरा क्या होता है कि इसमें वेक्टर ए है ना बच्चों, डॉट में वेक्टर बी प्लस में वेक्टर सी है बच्चों, ठीक। इसको ऐसे लिख सकते हैं आप, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस में बच्चों वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी, ये क्या बच्चों, वितरण नियम है ना बच्चों, वितरण नियम फॉलो करता है। ये क्या बच्चों, क्रम विनिमय नियम है, क्रम विनिमय नियम, ठीक। क्रम को उल्टा कर सकते हो इसके, ठीक, और इसमें वितरण नियम लगा सकते हो, ठीक बच्चों। और क्या होता है, और इसमें लिख सकते हो वेक्टर ए बच्चों, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू कितना बच्चों, ए बी कॉस थीटा होता है। अगर के बच्चों थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो ना, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी हमेशा कितना आता है बच्चों, जीरो आता है ना। थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी हमेशा कितना आता है, जीरो आता है। और थीटा इक्वल टू क्यों आता है बच्चों, थीटा इक्वल 90 रख दीजिए, कास 90 के मान जीरो, तो पूरा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी कितना होगा, जीरो हो जाएगा, ठीक बच्चों। अगर ये थीटा के साथ जीरो हो बच्चों तो कितना हो जाएगा, ए बी कॉस जीरो ना, कितना था बच्चों, ए बी आ जाएगा, ए बी कॉस जीरो कितना आ जाएगा, ए बी आ जाएगा ना। मतलब अगर के थीटा आर के जीरो हो तब जो कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का अधिकतम मानता है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का अधिकतम मानता है बच्चों। अच्छा बच्चों इतना लिख लिए, इसके बाद चौथी प्रॉपर्टी यहाँ लिख लो बच्चों, चौथी प्रॉपर्टी क्या लिख सकते हो, अगर के बच्चों वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी दिया हो बच्चों ना, और ए बी कॉस थीटा दिया हो ना, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी दे दिया हो बच्चों, अगर के तुमसे पूछेगा, अच्छा ये सब दे दिया है, अगर कि थीटा पूछेगा बच्चों, अगर कि थीटा पूछेगा आपसे तो निकाल सकते हो आप, कैसे निकाल सकते हो, कॉस थीटा इक्वल टू कितना आता है बच्चों, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपान में मॉड ऑफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, या फिर अपान में ए बी ना। मतलब वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी दिया बच्चों, अगर कि आपको ए बी अलग से पता है, उसका मतलब क्वांटिटी पता है, तो आप थीटा निकाल सकते हो, ठीक है बच्चों। इस फॉर्मूले से थीटा क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। इतनी बात समझ आए बच्चों, अच्छा ये सब प्रॉपर्टी थी। अच्छा यहाँ समझो बच्चों, डॉट प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में, मतलब अदिश गुणन के रिस्पेक्ट में ना बच्चों,
अगर कि आपका न बच्चों आई है, आई कैप एक स्केलर है इनटू आई कैप हमेशा क्या आता है बच्चों, वन आता है। क्यों वन आएगा बच्चों? क्योंकि अगर के आई कैप डॉट आई कैप लिखोगे तो कितना आएगा बच्चों, आई कैप इनटू गुड़ा आई कैप न बच्चों इनटू कास कितना बच्चों, आई कैप इनटू आई कैप। अच्छा इसको ऐसे मत समझो, एक आई कितना होता है बच्चों, एकांक होता है। इसकी मतलब इसका जो मॉड होता है कितना होता है, वन होता है। तो वन लिखेंगे, वन इंटू वन इंटू कास न बच्चों कास थीटा। बताओ इधर एक्स ही कंपोनेंट में आई कैप होता है ना, तो आई कैप करोगे तो जो डायरेक्शन इसका है उसी डायरेक्शन दूसरे आई कैप का भी होगा ना, तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना बनेगा बच्चों, 0 डिग्री बनेगा। तो कास 0 हमेशा कितना का, कास 0 का मान 1, तीनों मिला कितना होगा बच्चों 1 ना। इसका मतलब आई कैप इंटू आई कैप हमेशा कितना का बच्चों, आई कैप इंटू आई कैप 1 आएगा ना बच्चों, इक्वल टू जे कैप डॉट ना बच्चों, i.i=1 j.j=1 बच्चों, और k डॉट वेक्टर k कैप डॉट k कैप इक्वल टू भी कितना का बच्चों, 1 आ जाएगा। ये बात आप लोग याद रखिएगा ना, मतलब i.j, j.j, k डॉट k हमेशा कितना आता बच्चों, 1 आता है। इतनी बात याद रहेगी, अच्छा इतनी बात याद रहेगी बच्चों, ठीक। ये होता है किसमें बच्चों, तुम्हारे अदिश गुणनफल में। अब हम आते हैं बच्चों सदिश गुणनफल में, ठीक। सदिश क्या होता है उसके बारे में मैंने बता दिया कि क्या होता है बच्चों, इसके जो मतलब परिमाण है, परिमाण के साथ साथ क्या होता है बच्चों, साइन थीटा भी मल्टीप्लाई होता है ना, उसका वो क्या होता है, सदिश गुणन होता है, ठीक। इसको देखो नोट कर लीजिए आप लोग, इतनी प्रॉपर्टी जो चार पाँच ठो ये पाँचवीं प्रॉपर्टी है आपकी, ठीक। इन सबको नोट कर लीजिए, ये होता है अदिश गुणनफल बच्चों। ठीक बच्चों, तो इसे मिटा देते हैं। इसका एग्जाम्पल बच्चों अभी तक जितना आप पढ़े हैं, ठीक, उसमें से एक ही अभी तक एग्जाम्पल है जो कार्य का परिभाषा था बच्चों ना, कार डब्ल्यू इक्वल टू क्या था बच्चों, वेक्टर एफ डॉट वेक्टर एस था ना, तो वही आपका बस है। क्या था बच्चों, इसका एग्जाम्पल अगर देना होगा बच्चों तो एक ही एग्जाम्पल अभी तक आप पढ़े हो, वेक्टर डब्ल्यू इक्वल टू ना बच्चों वेक्टर एफ डॉट वेक्टर एस। ये भी बात बच्चों याद रखना आप लोग, क्या याद रखोगे कि अदिश गुणन करने पे, अदिश किसी भी चीज़ का, दो वेक्टर का अदिश गुणन करने पे क्या आता है बच्चों, अदिश राशि आती है। क्या आती है बच्चों, अदिश राशि आती है ना। तो नोट बना के लिख लो, नोट बना के ये बात लिख लो कि दो सदिश राशियों का ना बच्चों, दो सदिश राशियों का बच्चों अदिश गुणनफल करने पर, अदिश गुणनफल करने पर हमेशा क्या आता है बच्चों, अदिश राशि आता है। क्या आता है, अदिश राशि आता है ना बच्चों। और आप लोग आगे जाएंगे बच्चों, ट्वेल्थ में पढ़ेंगे तो एक आता है वैद्युत फ्लक्स बच्चों ना, वैद्युत फ्लक्स फाई इक्वल टू होता है बच्चों वेक्टर ई ना बच्चों डॉट वेक्टर ए होता है, वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए आता है। और आगे जाएगा बच्चों तो आप लोग चुंबकीय क्षेत्र पढ़ेगा, वैसे वेक्टर बी इक्वल टू कितना आता बच्चों, बी इक्वल टू भी होता है आपका नहीं फ्लक्स ना, बी होता है ना, क्या दिखाते हैं फाई ई, जिसे जिसको फाई ई दिखाते हैं बच्चों ना, वहाँ पे आप फाई बीस दिखाओगे, किसे दिखाओगे, फाई बीस दिखाओगे। और इक्वल टू ये क्या है, ये क्या बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब वैद्युत फ्लक्स है, ठीक। ये क्या है, चुंबकीय फ्लक्स है। फाई बी इक्वल टू आता है बच्चों वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए ना बच्चों, ये आप लोग के एग्जाम्पल्स हैं। ये क्या बच्चों, चुंबकीय फ्लक्स है, चुंबकीय फ्लक्स है ना बच्चों, ये आपका क्या है,
वैद्युत फ्लक्स है, वैद्युत फ्लक्स है ना बच्चों, ये आपका कार्य है। ये सब किसके एग्जाम्पल है बच्चों? अदिश राशि के एग्जाम्पल हैं। अदिश मतलब दो सदिशों के, वेक्टर ई सदिश है और वेक्टर ए सदिश है, दोनों सदिशों के अदिश गुणनफल के ये सब एग्जाम्पल्स हैं ना बच्चों। यहाँ आप देखेंगे, आप बस इसी से परिचित हैं भली भांति, एफ डॉट एस वेक्टर एफ डॉट एक्स, जहाँ पे एफ क्या है आपका बच्चों बल है और एस क्या है विस्थापन है ना, इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे, डब्ल्यू क्या कार्य आ गया, कार्य आपकी कैसी राशि है अदिश राशि। तो यहाँ पे मैंने नोट भी लिखवा दिया बच्चों, दो सदिश राशियों का अदिश गुणनफल करने पर न मैंने छोड़ दिया, करने पर न बच्चों हमेशा अदिश राशि आता है। क्या आता है? हमेशा अदिश राशि आता है। अब सदिश गुणनफल पे चर्चा करते हैं बच्चों। सदिश गुणनफल अच्छा बच्चों, अब क्या बच्चों सदिश गुणनफल का परिभाषा हम देख लिए थे, ठीक, क्या होता है सदिश गुणनफल, इसके बाद चर्चा करते हैं सदिश गुणनफल की प्रॉपर्टी का गुण बच्चों, का गुण, ठीक। तो सदिश गुणनफल पहला गुण बच्चों ये होता है, इसे मान लीजिए इसको कैसे दिखाते हैं बच्चों, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी से दिखाते हैं, कैसे दिखाते हैं, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी से दिखाते हैं। ए इक्वल टू कितना आता है बच्चों, आता है ए बी साइन थीटा आता है ना, क्या आता ए बी साइन थीटा बता चुके हैं, ठीक। तो बच्चों देखो इसमें क्या होता है ना कि इसको आप हमेशा आर के वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी है, अगर क्या आप लेंगे वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए डज नॉट इक्वल टू बच्चों वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, डज नॉट इक्वल टू वेक्टर ए क्रॉस बी, मतलब आप इसमें रिवर्स नहीं कर सकते, डॉट प्रोडक्ट में आप ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए लिख सकते हो मुन्ना, ठीक, लेकिन इसमें आप ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन इसमें आप ऐसा नहीं कर सकते ना। तब क्या इक्वल होता है बच्चों, माइनस ऑफ वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए इक्वल टू आपका इक्वल हो सकता है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी में, साइन चेंजिंग आ जाती है बच्चों ना, या फिर आप लिख दीजिए माइनस ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल टू लिख सकते हो बच्चों, माइनस लगा दो यहाँ पे, या फिर हाँ माइनस लगा दो, क्या लिख सकते हो वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए, आप ऐसा कर सकते हो, बस ऐसा कर सकते हो, ठीक, माइनस लगाना पड़ेगा आपको, और रिवर्स कर रहे हो तो माइनस लगाना पड़ेगा आपको, ठीक। तो ये पहली प्रॉपर्टी होगी बच्चों, ठीक बच्चों। अच्छा ये माइनस क्यों आता है तो पता होगा ना बच्चों, माइनस क्यों आता है ऐसा, देखो बच्चों अगर कि यहाँ पे ना वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी करोगे तो यहाँ पे क्या आता है बच्चों, अगर कि इसको साइन का रिवर्स करे तो ये जो थीटा है ना बच्चों यही तुम्हारा उल्टा आता है, थीटा अगर के माइनस में आता बच्चों तो पढ़े हो लोग, साइन अगर के माइनस थीटा रहेगा तो कितना आ जाता है बच्चों, माइनस साइन थीटा आ जाता है, इसलिए साइन का चेंजिंग आ जाता है, इसलिए साइन का चेंजिंग आ जाता है, ए क्रॉस बी है अगर बी क्रॉस ए कर देंगे तो माइनस का चेंजिंग आ जाएगा ना। लेकिन जो तुम्हारा कॉस है बच्चों, कॉस में अगर के माइनस थीटा है बच्चों, कॉस माइनस थीटा हमेशा कितना होता है बच्चों, कॉस थीटा होता है, इसलिए यहाँ पे साइन का चेंजिंग नहीं आता है, इसलिए ये दोनों क्वांटिटी क्या होते हैं, इक्वल हो जाते हैं बच्चों, इसलिए दोनों क्वांटिटी इक्वल होती है, लेकिन यहाँ पर इक्वल नहीं हो पाती है, ये बात याद होगी बच्चों। और बच्चों इसमें दूसरी प्रॉपर्टी क्या है बच्चों, वितरण नियम, वितरण नियम, इसमें क्रम विनिमय नियम तो नहीं फॉलो होगा लेकिन वितरण नियम फॉलो होगा। जैसे मान लीजिए बच्चों वेक्टर ए, सेकेंड नियम है क्या बच्चों, वेक्टर ए क्रॉस में बच्चों वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी है ना, ठीक, ऐसा है तीन वेक्टर्स हैं, तो क्या हो सकता है बच्चों, इसको लिख सकते हो आप वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी अब प्लस में बच्चों वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर में सी, ऐसा आप कर सकते हो ना, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस में वेक्टर ए क्रॉस सी आप लिख सकते हो। और बच्चों इसकी एक क्या प्रॉपर्टी होती है, एक कि इसमें सेकंड प्रॉपर्टी क्या होती है बच्चों, वेक्टर आई ना बच्चों, वेक्टर आई मतलब आई कैप, एकांक वेक्टर आई कैप क्रॉस आई कैप बच्चों, आई कैप क्रॉस आई कैप मतलब क्या बच्चों, इसमें थीटा की वैल्यू कितनी रहेगी बच्चों बताओ, थीटा की वैल्यू कितनी रहेगी, जीरो ना, लिख दीजिए थीटा की वैल्यू जीरो रहेगी तो कितना आ जाएगा, आई एकांक वेक्टर है तो वन इंटू वन साइन बच्चों जीरो, वन इंटू वन साइन जीरो कितना आ जाएगा बच्चों,
हमेशा कितना आएगा बच्चों, साइन जीरो का मान जीरो, तो जीरो आता है। तो आई क्रॉस आई हमेशा इसमें कितना था बच्चों, जीरो, ठीक, क्रॉस रहेगा तो ना आई बच्चों आई इंटू सॉरी जे क्रॉस जे ना बच्चों, जे कैप क्रॉस जे क्रैप जे का ये भी कितना आएगा बच्चों, जीरो ही आएगा ना। और के कैप क्रॉस के कैप ना बच्चों क्या आएगा, जीरो आएगा, क्यों, क्योंकि आई और आई के बीच में कितना रहेगा, जीरो डिग्री ये रहेगा, जी और जे के बीच में कितना डिग्री रहेगा, जीरो डिग्री रहेगा, तो साइन थीटा की जगह कितना था जीरो, तो ये सारी वैल्यू कितनी जगह जीरो हो जाएगी। तो मतलब आई क्रॉस आई हमेशा क्या होता है बच्चों, जीरो होता है, और जे क्रॉस जे हमेशा क्या होता है, जीरो होता है, के क्रॉस के हमेशा क्या होता है, जीरो होता है। अच्छा इतनी बात समझ आ गई। इसके बाद बच्चों अगर के हम बच्चों आई क्रॉस जे करें ना, आई क्रॉस जे करें, दोनों बच्चों यूनिटी है ना, दोनों यूनिटी हैं, तो बताओ ये यहाँ क्या आएगा, वन इंटू वन साइन 90 आएगा बच्चा, मतलब वन आएगा, मतलब बच्चों आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे कितना आएगा, वन आएगा, जे क्रॉस के बच्चों कितना आएगा, जे क्रॉस के कितना आएगा बच्चों, वन आएगा, और बच्चों के क्रॉस आई कितना आएगा बच्चों, ये भी वन आएगा, मतलब के क्रॉस आई कैप इक्वल टू वन आएगा ना बच्चों। तो आई क्रॉस जे भी कितना आएगा बच्चों, वन आएगा, जे क्रॉस के भी कितना आएगा, वन आएगा, जे क्रॉस के भी वन आएगा, और आई क्रॉस जे अरे हाँ जे क्रॉस आई भी कितना आएगा बच्चों, वन आ जाएगा। लेकिन बच्चों अभी मैंने बताया था आपको अगर के इन दोनों को उल्टा पुल्टा कर दोगे तो साइन चेंज जाएगी ना, वैसे ही आई क्रॉस जे रहेगा तो वन तो आएगा बच्चा, लेकिन जे क्रॉस आई कर दोगे तो कितना आएगा, माइनस वन आ जाएगा। जे के क्रॉस आई कर दोगे जे कर दोगे कितना आएगा, माइनस वन आ जाएगा। मतलब जैसे रिवर्स कीजिए, रिवर्स करिएगा, साइन क्या आ जाएगी बच्चों, माइनस में आ जाएगी। ये बात बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, ठीक बच्चों। अच्छा ये हो गया आपका कितना, कौन सा प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉपर्टी बच्चों, कौन सी प्रॉपर्टी हो गई, थर्ड प्रॉपर्टी, ठीक। यही सब इसकी सम प्रॉपर्टीज थी आपका, हो गया। इसके बाद बच्चों हम इसकी दिशा पे चलते हैं, इसकी दिशा मतलब जो हम लोगों का ए क्रॉस बी आएगा उसकी दिशा कहाँ रहेगी, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं बच्चों। इसमें बच्चों तीन नियम हैं, लेकिन मैं सोच रहा हूँ आपको इसमें से एक नियम बताऊं, क्योंकि एक ही टीचर मतलब तीन नियम बताता है तो उसमें कन्फ्यूजन आ जाते हैं ना, तो मैं एक नियम बताता हूँ उसी से आप चलेगा। जैसे मान लो बच्चों आपका इधर बच्चों वेक्टर ए है, इधर आपका बच्चों वेक्टर बी है, ठीक, इधर वेक्टर ए है बच्चों, इधर वेक्टर बी है, ठीक। और मान लो बच्चों ये इस आपको पकड़े हैं, क्या होता है पेचकस कसने वाला नट को, ठीक, ऐसे ऐसे कस रहे हैं, तो मतलब बच्चों वेक्टर बी अपने दाहिने हाथ से ना, अपने दाहिने हाथ से अगर वेक्टर ए से वेक्टर बी की तरफ कसोगे, वेक्टर ए से वेक्टर बी की तरफ कसोगे तो जिधर की डायरेक्शन में आपका पेच कसाएगा ना, मतलब पेच जितना दूरी तय करेगा, जैसे मान लो कि ये मान लो आपका ऐसा था ना, घूमता 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 जिधर की तरफ ये डिस्प्लेसमेंट तय करेगा उस डायरेक्शन में बच्चों क्या रहेगा तुम्हारा ना, रिजल्टेंट जो सदिश आएगा तुम्हारा, गुणा करने पे जो सदिश आएगा परिणामी सदिश, उसका डायरेक्शन इधर रहेगा, ठीक है, उसका डायरेक्शन क्या रहेगा, इधर रहेगा। जैसे मान लीजिए वेक्टर ए इधर है वेक्टर बी है, वेक्टर ए से वेक्टर बी की तरफ आप ऐसे घुमा रहे हैं और जिस तरफ पेच गति कर रहा है, जिस तरफ आगे जा रहा है, उस डायरेक्शन में क्या होगा बच्चों, इसका सदिश का दिशा रहेगा ना। तो इसको लिखवाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस इसको अच्छी तरीके से जानते रहिए बच्चों, ठीक। अच्छा आप सदिश का दिशा भी जानेंगे बच्चों। अब हम कुछ इस पर चलते हैं, जैसे कि मान लो बच्चों अगर कि तुमको कोई बोल दिया ए एक्स आई कैप बच्चों प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप ना बच्चों, ए जेड के कैप इंटू बच्चों बी एक्स आई कैप इंटू बी
वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। बच्चों अगर क्या ऐसा कुछ हो इसका मल्टीप्लाई करना हो बच्चों, इसका सीधा रिजल्ट क्या आता है, बीच में क्रॉस लगाओ, बीच में क्या लगाओ बच्चों, क्रॉस लगाओ ना, मतलब ए क्रॉस भी ऐसा हो ना, तो हमेशा क्या आता है बच्चों, देखो जब जब भी आप बच्चों जब जब भी आप आई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, जीरो आ जाएगा। जब जब आप आई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे जीरो आ जाएगा, ठीक। लेकिन जे और के साथ कितना आएगा बच्चों, वन वन आएगा ना। लेकिन उल्टा करोगे तो माइनस आ जाएगा ना, मल्टीप्लाई करके देखते हैं। बताओ इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे जीरो आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे कितना आएगा बच्चों, ए एक्स इंटू बच्चों ए वाई आ जाएगा, ए एक्स इंटू ए वाई आ जाएगा। और आई इंटू जे कितना रहेगा, वन रहेगा प्लस बच्चों। फिर ए एक्स का मल्टीप्लाई इसमें करोगे ए एक्स इंटू बी जेड बच्चों, ए एक्स इंटू बी जेड, ए भी बच्चों आई इंटू के है लेकिन क्या रहेगा बच्चों, माइनस रहेगा, क्योंकि के इंटू आई क्या होता है, प्लस होता है, लेकिन ये माइनस में आ जाएगा, ठीक। अब फिर इसका मल्टीप्लाई करिए, ए वाई जे कैप इंटू जे आई है बच्चों, जे आई है तो ये रिवर्स है, तो ये भी कितना आ जाएगा जो माइनस में आ जाएगा, कितना आ जाएगा, ए वाई इंटू बी एक्स, ए वाई इंटू बी एक्स। फिर बच्चों देखो फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें करिए तो कितना आ जाएगा, प्लस में ए वाई इंटू जीरो आ जाएगा ना बच्चों, ठीक। इसमें करिए प्लस में ए वाई इंटू बी जेड, जे के बच्चों वन आ जाएगा प्लस में, प्लस में बच्चों। अब क्या है, जे के आ गया, अब के का करते हैं तो ए के इंटू बी एक्स, ए वाई ए जेड है ना भैया, ठीक, ए जेड इंटू ए एक्स इंटू ए जेड, अभी इसका बारे नहीं आता। अब देखो बच्चों ए जेड का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, के है आई है तो जे के आई, तो प्लस आएगा यहाँ पे बच्चों, कितना आ जाएगा, ए जेड बी एक्स, ए जेड बी एक्स आ गया। अब देखो बच्चों अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे के जे है तो के जे उल्टा है, रिवर्स है, तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, माइनस में आएगा बच्चों, माइनस में आ जाएगा आपका ए जेड इंटू बी वाई, और के है तो बच्चों जीरो आ जाएगा, तो कितना है तुम्हारा बताओ, ए एक्स ए वाई, ए एक्स ए वाई कहीं है, ए एक्स ए वाई कैसे आया जी, ए एक्स का मल्टीप्लाई मैंने इसमें किया, फिर एक्स एक्स बी वाई था यहाँ पे, ए एक्स बी वाई, ए एक्स बी वाई, ए एक्स बी वाई कहीं है, ए एक्स बी वाई, ए एक्स बी वाई नहीं है, ठीक, ए एक्स बी वाई हो गया बच्चों। फिर प्लस में एक दो तीन चार पाँच छः चीज़ें हैं, तो जो प्लस वाला उसको साथ लिख दीजिए, प्लस में बच्चों ए वाई बी जेड, प्लस में बच्चों ए जेड बी एक्स, ठीक, और माइनस में ए एक्स बी जेड, और प्लस में बच्चों माइनस में ए वाई, ए वाई बी एक्स माइनस ए जेड बी वाई। तो हमेशा मल्टीप्लाई करोगे तो इस पैटर्न में आएगा बच्चों, कुछ कामन लेके आप ऐसे कर सकते हैं। अगर के बच्चों यहाँ पे डॉट होता, अगर के यहाँ पे डॉट होता तो क्या आता, तब बच्चों अगर के डॉट होता तो आई इंटू जे जीरो रहता, इसमें क्या आई जे वन आ रहा है, क्रॉस वाले में आई जे वन आ रहा है, लेकिन जब आपका डॉट होता तो आई आई वन आता और आई इंटू जे जीरो रहता, क्योंकि कॉस 90 कितना आता है, जीरो होता है। तो ये मल्टीप्लाई आप लोग चेक करके कर सकते हैं, ठीक। इसके बाद देखिए आपका एक मल्टीप्लिकेशन के बारे में हो गया थोड़ा सा, ठीक। तो मैं जो जो आपका एग्जांपल बताया था उसका मैं थोड़ा सा हाँ तो मैंने दिखाया था, ठीक है, इस पर रुको क्वेश्चंस ले लेते हैं गठो। तो इसके बाद क्या पढ़ाया जाए, हाँ अगर आज देखो बच्चों हमको लगता है कि जो तुम्हारा सदिश और अदिश राशि है, ठीक है, इससे जितनी भी चीज़ें रिलेटेड थी मैंने सारी बता दिया, सदिश गुणनफल भी बता दिया, अदिश गुणनफल भी बता दिया, ठीक है। इस पर क्वेश्चंस मैं करूँगा कब, जब आपको प्रक्षेप गति पढ़ाऊँगा तो उसी में आएगा,
ठीक वैसे मैंने एग्जांपल देके बता दिया है कि वेक्टर एफ बराबर कितना होता बच्चों, ना डब्ल्यू इक्वल टू कितना होता, डब्ल्यू इक्वल टू कितना होता बच्चों, वेक्टर एफ डॉट वेक्टर एस, ना। अच्छा क्रॉस वाला एग्जांपल बताने रह गया, तो क्रॉस वाला एग्जांपल देखो बच्चों क्या क्या होता है, क्या क्या आप पढ़ चुके हैं ना। एक बच्चों आप लोग पढ़े होगे बल आघूर्ण, ना बल आघूर्ण पढ़े होगे, आप लोगों को पढ़ाया गया होगा कभी। बल आघूर्ण बच्चों ना क्या होता है कि सदिश गुणनफल होता है, क्या होता है बच्चों, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर आर होता है ना बच्चों, वेक्टर ए वेक्टर एफ क्रॉस वेक्टर आर होता है बल आघूर्ण। इसको टाउ से दिखाते हैं, टाउ इक्वल टू वेक्टर एफ क्रॉस वेक्टर आर। अभी तक आप लोग यही पढ़े हो ठीक, अभी तक आप लोग यही पढ़े हो ठीक, इसलिए मैं यहाँ पे आपको यहीं तक बताता हूँ, क्योंकि आगे चीज़ें बताएंगे तो उससे फॉर्मूले आपको याद नहीं है। अच्छा तो यहाँ पे आपका आगे का क्वेश्चन ले लिया जाए ना तो कितना अच्छा होता। इसे मान लीजिए बच्चों तुम्हारा f इक्वल टू है न बच्चों, वेक्टर f इक्वल टू है 2i कैप न बच्चों प्लस 7j कैप न बच्चों, 7j कैप फोर्स इतना है तुम्हारा ठीक, और डिस्टेंस तुम्हारा बच्चों ये इतना न्यूटन न बच्चों, इतना न्यूटन है, और तुम्हारा डिस्टेंस है s इक्वल टू है तुम्हारा 3 f है आपका, और आपका डिस्टेंस है 3j कैप बच्चों प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप ऐसा है, ये आपका डिस्टेंस है, ये फोर्स है आपका, ये डिस्टेंस है ठीक। तो बोलेगा कोई कि वर्ग बताइए, क्या बोलेगा बच्चों, ये तुम्हारा फोर्स है, ये तुम्हारा डिस्टेंस है ठीक। तुमको बोलेगा कोई कि वर्ग बताओ, तो w इक्वल टू कितना बच्चों, वेक्टर f डॉट वेक्टर वेक्टर f डॉट वेक्टर s, तो f कितना है बच्चों तुम्हारा 2i कैप प्लस बच्चों 7j कैप ना बच्चों, डॉट 3j कैप प्लस 4k कैप, मल्टीप्लाई कर दीजिए बच्चों आ जाएगा, करिए तो 2i का मल्टीप्लाई 3j में करोगे तो i इंटू जे ना बच्चों, i डॉट j क्या आ जाएगा, i डॉट j इन समय कितना 90 डिग्री का कोण बनेगा ना। देखिए इधर क्या होता है, i होता है, ये आपका j होता है, ये आपका k होता है, तो i में j में k में समय कितना 90 के डिग्री का फर्क होता है ना, जब i का मल्टीप्लाई j में करेगा तो i इंटू जे कितना आएगा बच्चों, cos 90 आएगा, cos 90 कितना होता है बच्चा 0 होता है ना, तो 2 इंटू 3j करोगे तो 0 आ जाएगा, 0 प्लस, और फिर इसका i का मल्टीप्लाई k में करोगे बच्चों तब फिर कितना आएगा बच्चा 0 आ जाएगा, फिर 7 करोगे 7j इंटू 3j बच्चा 7j इंटू 3j ये आएगा तुम्हारा कितना 7 इंटू 3 कितना 21 प्लस बच्चों 21 j कैप इंटू j कैप कितना आता है बच्चों 1 आता है ना इंटू 1 प्लस में j इंटू के कितना आ जाएगा बच्चों 0 आ जाएगा, काम खत्म। तो यहाँ से कितना बच्चों 21 आ गया, कितना आ गया 21। देखें बच्चों w इक्वल टू बस कितना है बच्चों 21, कोई वेक्टर नहीं ना, कोई भी वेक्टर नहीं, 21 क्या आपका ये आ जाएगा 21, इसका कितना हो गया तो बल गुणे विस्थापन है तो न्यूटन मीटर। इस तरीके से इसमें क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा बच्चों, 21 न्यूटन मीटर इतना आपका तुम्हारा क्या वर्क हुआ ठीक। ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं इसमें, और भी क्वेश्चंस मैं प्रक्षेप गति में करूँगा। इसके बाद मैं सोच रहा हूँ बच्चों तुम लोगों को थोड़ा सा मैथमेटिकल ढंग से कैलकुलस भी पढ़ा दूँ ठीक है। तो कल मैं क्या पढ़ाऊँगा आपको बता के जा रहा हूँ ठीक है, कल मैं पढ़ाऊँगा आप लोगों को अवकलन समाकलन ना बच्चों, डिटेल में नहीं पढ़ाऊँगा, जितना आपके मतलब आपके लिए ज़रूरी है क्लास लेवन में उतना पढ़ाऊँगा, अवकलन और समाकलन ये सब फार्मूले आपको लिखवाऊँगा, और जितना मैं लिखवा दूँगा
ठीक, कुछ बच्चे बायोलॉजी लेके भी पढ़ रहे होंगे, ठीक है, तो उनको थोड़ा सा दिक्कत होगा ना, तो उनके हेल्प के लिए मैं अवकलन समाकलन पे थोड़ा सा एक वीडियो बना देता हूँ। यही जब आपका ख़त्म हो जाएगा बच्चों, ठीक है, अवकलन समाकलन और लॉग, ये तीन चीज़ें शॉर्ट में मैं ना 45-46 मिनट में आपके ख़त्म कर दूंगा। फिर उसके बाद आपको प्रक्षेप गति पढ़ाऊंगा, तो अब आपको अच्छे समझ में आएगा। ठीक, मैं लॉग क्यों पढ़ना चाहता हूँ, क्योंकि जो प्रक्षेप गति के कुछ क्वेश्चंस होते हैं उसमें लॉग टर्म आ जाता है ना, तो मैं फिर से वही मतलब चिल्लाना पड़ेगा कि देखिए ऐसा होता है, ऐसा होता है, बताए रहेंगे तो बोल देंगे कि यहाँ बताएं ये बात। ठीक, तो आज के लिए बस बच्चों इतना ही, धन्यवाद, और आप लोग मन से पढ़ाई कीजिए।